ये जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, एक सजावट है, एक बनावट है। ये शेर अजीम तरीन शख्सियत, पत्रकार, शायर, लेखक जनाब प्रताप सोमवंशी साहब का है। हाल ही में आई किताब लोई को एक साल मुकम्मल होने जा रहा है। इस किताब ने बेशुमार मकबूलियत हासिल की है। उर्दू डिस्कशन प्रोग्राम का एक जलसा मुनक्किद किया गया, चलिए इस पर बातचीत करते हैं। बात कि लोई पे क्यों लिखा, लोई कहाँ से जहन में आई, स्वाभाविक तौर पे जिन्होंने किताब पढ़ा है वे जानते हैं। आप सबको ये बता दें कि ये राजघाट में प्रभास जी की स्मृति में कार्यक्रम था। शेखर सेन अपना सोलो वहाँ नाटक कर रहे थे। नाटक में लोई एक संवाद बोलती है, एकल नाटक था। शेखर सेन ही लोई बन के बोलते हैं कि मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती थी, तो कबीर कहते हैं चलो तुमको मिला लाते हैं। तो मैंने, मेरी पत्नी, हम दाखिल हुए तो ये सीन चल रहा था, तो मुझे दिमाग में आया कि ये 650 साल पहले एक स्त्री हुई होगी। 650 साल पहले क्या ये थी, ये संभव था? अगर ये कल्पना है, कुछ भी है, तो ये जो कल्पना भी है ये कितनी सुंदर है। और हम जितनी तरह की स्त्रियों को हम जानते थे, इसीलिए उसके सूत्रधार से मैंने कहलाया कि सारी स्त्रियां जो हैं उनको जो हम जानते हैं कि वो, अगर हम नाम से देखें तो रजिया सुल्तान, गार्गी, मैत्रेयी, झांसी की रानी, अपाला, सब के अलग अलग कारण हैं कि कोई बहादुर है, कोई विदुषी है। एक साधारण स्त्री की क्या कहानी हो सकती है? तो ये लगा कि इस पे अगर ढूंढा जाए, किया जाए, तो ये किताब तो मैं कुछ कुछ बनेगा, किताब स्वरूप नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है कि हम कबीर की ज़िंदगी से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी खातून पर आज यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे लोई के हवाले से। लोई जो है उनकी बीवी थी कबीर की, लेकिन जितना भी अब तक हमने मवाद पढ़ा है, पाया है, उसमें लोई को लेकर कहीं पर भी कुछ ख़ास गुफ्तगू नहीं है, क्योंकि कबीर की ज़िंदगी में लोई का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ी उनकी खिदमात रही है। एक बीवी की हैसियत से भी वो कभी कहीं पर, जहाँ कबीर मुश्किल में होते हैं तो उनकी तलवार बनती हैं, कहीं पर उनका सब्र बनती है, उनका धैर्य बनती है। और उन्होंने, लोई ने कबीर को संवारने में, कबीर को संभालने में तो उनका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और ये प्रताप सोनवंशी जी ने जिस तरीके से लोई को उर्दू में लेकर आए हैं, और इसमें मैं तारीफ़ करूँगा ए रहमान एडवोकेट साहब की, कि जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और इसके बहुत खूबसूरत तर्जुमे के साथ जो है ये पेश किया। इसका कई ज़बानों में तर्जुमा हो रहा है, और ये ड्रामा है, नाटक है, ये स्टेज के लिए है। और प्रताप सोमवंशी साहब एक उर्दू के बहुत अच्छे शायर भी हैं, हिंदी के भी अच्छे शायर हैं, और उन्होंने जिस तरह लोई को, वो इसमें कुछ शायराना तरीके से मंजूम भी पेश कर सकते थे, इसको नॉवेल की हैसियत से पेश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह इसको ये सोचा कि इसको मैं मंच के लिए, इसको नाटक के लिए, मैं स्टेज के लिए तरतीब दूँ, और उस तरह से उन्होंने इसको लिखा है, तो इसमें लोई जो है एक उसकी पूरी शख्सियत उभर कर सामने आती है। और मैं ज़्यादा लोई के बारे में इसलिए नहीं बताना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि लोग इसको पढ़ें, लोई को जानें, क्योंकि हम देखते हैं जितने भी बड़ी शख्सियात हुई हैं, महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, और चाहे किसी भी मज़हब में रहे हों, उनकी ज़िंदगी में एक खातून का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कहीं पे माँ की हैसियत से रही है, कहीं बहन की हैसियत से, कहीं बेगम की हैसियत से, लेकिन यह एक बीवी जो है वो लोई कबीर के साथ खड़ी है। और अफसोस की बात यह है कि लोई का ज़्यादा तस्करा कहीं होता नहीं है। हम कबीर को जानते हैं, कबीर के दोहों को जानते हैं, कबीर हम जानते हैं, कबीर जो है पाखंड के ख़िलाफ़ थे, कबीर जो है वो ईश्वर के और अपने बीच में किसी भी बिचौलिए को नहीं चाहते थे, वो हर प्रकार के पाखंड के ख़िलाफ़ थे, किसी भी धर्म जात का हो। तो हम कबीर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी बीवी लोई के बारे में हमें नहीं पता, जो उनको गंगा मैया में, जब उनको पांडे डुबो देते हैं, वहाँ से बचाती हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में दाखिल होती हैं, और फिर उनके साथ जो कुछ भी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे जो रिसर्च करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, और लोई को एक खूबसूरत अंदाज में, यानी लोई की जो भी शख्सियत है वो सामने है, और जितनी भी हमारे पास ये दार्शनिक वगैरह है उनकी ज़िंदगी में उनकी बीवियों का क्या हाथ है, इस पर भी लोग रिसर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमारे सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अजीम तरीन शख्सियत जनाब सुहेल अंजुम साहब। सुहेल अंजुम साहब किसी तारुफ के मोहताज कह सकते हैं, एक उर्दू में जाना माना नाम और वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए कब से एक पत्रकारिता कर रहे थे और आज उर्दू डिस्कशन प्रोग्राम में भी कमान उनके हाथ में थी और लोई को बहुत करीब से जानते हैं, देख सकते हैं। सर से बात करना है, सर आप डेरा 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, शुक्रिया। लोई की कमान आपके हाथ में थी पूरे डिस्कशन प्रोग्राम में, किस तरह देखते हैं आप लोई को? लोई के बारे में कहा तो बहुत कुछ कर रहा है मगर कबीर के बारे में ज़्यादा जिक्र हुआ है, तो लोई के बारे में, कबीर दास के बारे में तो सभी जानते हैं, हिंदी वाले भी, उर्दू वाले भी, अंग्रेजी वाले भी, लेकिन लोई के बारे में मेरे ख्याल से सिर्फ हिंदी वाले ही जानते रहे होंगे, उर्दू वाले तो नहीं जानते थे। लेकिन प्रताप सोम मुंशी साहब ने लोई पे ड्रामा लिख करके, एक नाटक लिख करके लोई को उर्दू हलकों में मुतारफ़ करा दिया और असल में उन्होंने हिंदी में लिखा था, लेकिन मुतारफ़ कराने का सहरा बड़ी हद तक अब्दुलरहमान एडवोकेट के सर भी जाता है, जिन्होंने उसका बहुत ही रवां तर्जुमा किया है उर्दू में, और उसकी वजह से उर्दू वालों को भी कबीर की अहलिया उनकी बीवी लोई के बारे में पता चल गया या चल सका। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उर्दू वाले जो सिर्फ कबीर से वाकिफ़ थे वो लोई से भी वाकिफ़ हो गए। आज के डिस्कशन में जो लोई के सिलसिले में बहुत सारी गुफ्तगू हुई उसके हवाले से इस पर भी गुफ्तगू हुई कि हिंदुस्तानी या मशरक़ी ख़वातीन जो होती हैं, मशरक़ी औरतें जो होती हैं, उनका क्या कैरेक्टर होता है अपने शौहरों की कामयाबी में, और सिर्फ एक उनका एक कैरेक्टर नहीं होता, उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और उन कैरेक्टर्स के मुख्तलिफ शेड्स पे लोगों ने यहाँ गुफ्तगू की और उस ताल्लुक़ से प्रताप सोम मुंशी साहब ने भी, उन्होंने लोई का ड्रामा क्यों लिखा, लोई हकीकत है या एक फ़र्जी है, उन्होंने इस पर गुफ्तगू की और बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि ये उर्दू हलकों के लिए ये एक अच्छी बात है कि वो एक नई शख्सियत से मुतारफ़ हो चुके हैं। बिल्कुल, आपने कह सकता हूँ ना, जब प्रताप सोम मुंशी साहब का आपने तारुफ कराया तो बहुत सारी चीज़ें नई सीखने के लिए मिली, ऐसी ऐसी आपने उनके तारुफ में वो चीज़ बोली, वो चीज़ बयां की जो हमें नहीं मालूम थी और दर्शकों को सुनने के लिए मिलेंगी। कह सकते हैं ना, इस किताब को आए हुए एक साल भी नहीं हुआ मुकम्मल और इतनी बेशुमार मकबूलियत हासिल कर ली है। उर्दू ज़बान और हिंदी ज़बान दो सगी बहनों की तरह देखा जाता है, पहले हिंदी में लाए फिर उर्दू में लाए, तो कुछ ना कुछ कह सकते हैं उर्दू ज़बान इस नाटक से भी इजाफा होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है, उर्दू अदब में एक इजाफा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हिंदी और अंग्रेज़ी से उर्दू में आती रही हैं, पहले भी आती रही हैं, लेकिन बीच में सिलसिला कुछ कमज़ोर हो गया था। उसकी वजह यह है कि उर्दू वाले खुद, उर्दू ख़ुद जो है वो बड़ी मजलूम ज़बान हो गई, उर्दू के साथ वो इंसाफ नहीं हो पाता जो उसके साथ होना चाहिए, तो एक उन्होंने इसलिए वो तर्जुमे का सिलसिला जो दूसरे अदब से उर्दू में तराजुम करने या उसको अडॉप्ट करने का जो सिलसिला था एक तरह से कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन अब्दुलरहमान एडवोकेट ने इस किताब का तर्जुमा करके एक तरह से इसको उर्दू अदब में एक नया इजाफा किया है। उसकी वजह यह है कि एक तो कबीरदास बहुत ही मतनाज़ कवि रहे हैं और वह दार्शनिक रहे हैं, तो उनकी मुख्तलिफ जो उनकी उनके दोहे जो बहुत मकबूल हुए, बहुत मशहूर, उनके जो नज़रियात थे उनके हवाले से भी लोई के बारे में उर्दू वालों को जानने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये लोई चली कबीरा साथ ये उर्दू अदब में भी एक अहम इजाफा है। यह एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुस्तान की सकाफती वर्से को, साझी विरासत को सजोने का काम करती है, भाषाओं से इतर बहुभाषाई संवाद कायम करती है, और आज का जो कार्यक्रम है लोई कबीरा साथ, ये एक ड्रामे की किताब है जो हिंदी में आई फिर उर्दू में उसका ट्रांसलेशन हुआ, तो आज का प्रोग्राम उसी किताब को समर्पित था। हमने लोई को समझने की कोशिश की, हमने हिंदी नाटक को समझने की कोशिश की, हमने हिंदुस्तान की परंपरा को समझने की कोशिश की, हमने भाषा को और भाषा में छुपे संवाद को समझने की कोशिश की। उर्दू डिस्कशन प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए जनाब कनाडा से तशरीफ़ ले आए और इस प्रोग्राम को और अहम बना दिया गया। सर आपका डीएनए 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत ममनून हूँ, आज हम यकीनन यहाँ पर प्रताप साहब की जो बहुत उम्दा ड्रामा है लुई, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे हम लोग जानते नहीं थे, जिसने कबीर को, यानी कबीर को समझने के लिए लुई का प्रेजेंस ज़रूरी है कि कबीर जो हैं एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने, जिनका प्रेम और जो जो औरत है
उसके एहसासात और जज्बात की जो वो की है। तो अब ये मालूम हो रहा है इस ड्रामे से कि दबीर के पीछे एक जो अहम हाथ था, जो सपोर्टिंग हैंड था, वो लुई का था। तो आज हमने देखा कि लुई ने कबीर को ये जो बातें की गई थीं कि कबीर की वो दासी थी या कबीर की वो शागिर्दा थी, नहीं, बल्कि वो कबीर की प्रेमी थी, कबीर की वो पत्नी थी। और इस तरीक़े से ये जो पूरी तरीक़े से ज़ाहिर किया गया है, और उसका उर्दू तर्जुमा भी जो एडवोकेट अब्दुर्रहमान साहब ने किया है, उससे यूँ तो समझिए कि ये शुरुआत हुई है। और अब आप देखते चले जाएंगे कि ये ज़्यादातर तहकीक कर कर, रिसर्च कर कर, पूरी तरीक़े से हम इसको बताने की कोशिश करेंगे कि ये लुई एक कैरेक्टर है, एक वफादार, एक बड़ी मुस्तकिल मिजाज, पावरफुल लेडी का, जो गरीब तो है, जो गरीब बाप की बेटी है, जो बहुत ही मुश्किलात में गुजरी है, लेकिन उसने अपने हस्बैंड को और अपने देश को और अपने इंसान को, इंसानियत फैलाने के लिए काम किया है। इस काम को बहुत अच्छी तरीके से हमारे प्रताप साहब ने, जो मैनेजिंग एडिटर हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने अंजाम दिया। और इसका उर्दू तर्जुमा भी बड़ा खूबसूरत एडवोकेट साहब ने किया। सर, मेरे एक साहब से ये सवाल है, माशरे में देखा जाए तो अहलिया को, पत्नी को या उतनी तवज्जो नहीं दिया थी जिस तरह से पेश किया गया, किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? हाँ, यही तो है कि ये हमारा जो माशरा है, ये मर्द बुनियाद माशरा है, ठीक है। यानी यहाँ पर माई वे इज़ द हाई वे कहता है मर्द, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 650 साल पहले कबीर ने हमको एक जो दर्स दिया है, कबीर दास ने जो हमको बताया है, तो हमारी जो औरत है 650 साल पहले, उसका शौहर अपनी औरत के जज्बात को और उसकी अक्ल को समझता था। ये जो अभी कहेगा, और यही जो आपके प्रताप साहब ने बताया कि ये जो औरत है जिसने कबीर को कबीर बनाया है, कबीर की शनासाई और फहमी के लिए ज़रूरी है, वो ये बताता है कि औरत की अक्ल से भी इस्तेफादा किया जाए। औरत को सिर्फ एक हुस्न का और एक अच्छी सूरत की आपके मालिका नहीं, बल्कि एक अच्छी अक्ल, एक अच्छा आज़म, एक अच्छा पावर, और सबसे अहम चीज़ जो है उसकी जो ममता है, वो ममता जो है उसकी, वो पावर है, उसका कुव्वत है, उसकी स्पिरिट है, जिससे वो इंसानों को आगे बढ़ा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, N24 से बात करने के लिए। थैंक यू। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।